उदयपुर में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्विति। उदयपुर में रीट अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रशासन ने की निःशुल्क व्यवस्था। आपको बता दें, उदयपुर में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन ने निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की है। रोडवेज की 222 व निजी अधिकृत 48 बसों से अभ्यर्थियों को रवाना किया गया है। शाम 4 बजे तक लगभग 18,500 अभ्यर्थी गंतव्य के लिए रवाना हुए। किसी भी बस स्टैंड पर नहीं दिखाई दी भीड़। अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं मिली, इसके लिए खुद जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सभी बस स्टैंड का जायजा लिया और खुद ने अभ्यर्थियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं की पुष्टि की जानकारी ली। अभ्यर्थियों से कहा, राज्य सरकार ने ऐतिहासिक व्यवस्था की है, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान बजट की घोषणा क्रियान्वित को लेकर के धन्यवाद भी ज्ञापित किया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा रीट अभ्यर्थियों ने। यहीं पढ़ते हो, आपका कहाँ है भैया? सिरोही आए हो, कहाँ से आए हो आप? पीछे उदयपुर के ही हो। ये सब लोग जो है अपने गंतव्य स्थल पर जा रहे हैं, ये जो बसें उपलब्ध कराई गई है राज्य सरकार के निर्देश से, निःशुल्क यात्रा इनको कराई जा रही। कैसा लग रहा है आपको निःशुल्क यात्रा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब कोई पैसा नहीं लग रहा, आराम से आप जा रहे हो। आप पीछे से आप आए हो, बांसवाड़ा से आए हो आप? बांसवाड़ा से यहाँ तक कैसे पहुँचे? रोडवेज बस से आए हो। अब आगे की यात्रा आप यहाँ की बस से करोगे? आप भी बांसवाड़ा से आए हो? अच्छा, क्या क्या कहेंगे इस निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था के लिए? मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र होंगे सर हमारे।